So today we will start the second lecture of reflections on the reawakening of this, and it's the last lecture. So in the last class we discussed just the first paragraph, and today we'll discuss all the rest of the paragraphs. In the first paragraph, it was also actually about the alternations of power from east to west and west to east. That from nearly 2000 years, how the power was transferred from one place to another place. So in the earliest history, the east was predominated. It was both culturally most more developed than the west. But the power transferred to west with the rise of Greece until the fall of Rome. When the Germans fought with the Romans, then they succeeded in destroying the Roman power, but they did not acquire a similar place for them in science and culture. So the power transferred to eastern countries where there was Mohammedan culture, and the caliphate, they actually captured the whole part of a great part of Roman Empire. And during that time, Chinese dynasty or Tang dynasty was equally extensive and glorious, and the science was flourishing in the China as well. But the Europe was sunk in barbarism, and the Europeans with their unpardonable insolvency called that period the Dark Ages. But it was only Christian Europe which were dark. Spain, which was Mohammedan and it had a brilliant culture. So then the West, however, climbed from the abyss of barbarism after the 17th century. And the pioneers of new Western imperialism were Columbus, Christopher Columbus, and Vasco da Gama. Christopher Columbus, he actually discovered the America, and Vasco da Gama discovered the sea route of India through Cape Town. So after that, till now, the Western countries are dominated. But now, after the World War I, World War II, the Germans fought with Occidentals, and the Western power is going to decline. And now the Eastern power are going to rise once again. तो वो 1954 में बर्टन रसल ने इसको लिखा, और इस दौरान क्या हो रहा है कि एशिया की बहुत सारी कौमें नई तरह से आज़ाद हो रही हैं, और आज़ाद होने के बाद वो एक तरह से पावरफुल हो रही हैं. तो वो ईस्टर्न कंट्रीज़ को, इन आज़ाद होते हुए एशियाई ममालिक को, जो बर्टन रसल हैं वो कुछ एडवाइसेस कर रहे हैं, वो कुछ पैगाम दे रहे हैं, वो कुछ नसीहतें कर रहे हैं. ठीक है. सो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकेंड ईयर के बैठे हुए हैं, तो मैं इस लिहाज से इनको समझाता हूँ कि आपको क्लियरली समझ में आए, ताकि मैं पॉइंट्स भी मैंने वही लिखे जो आपको समझने में इंटरेस्ट भी आए और समझ में भी बात मेरी आए. कि बर्टन रसल खुद तो एक बहुत डिफिकल्ट एक ऑथर है पढ़ने लायक, लेकिन इसको हम अपने तौर पर समझने की कोशिश करेंगे. तो द सेकेंड पैरा इज अबाउट फॉर सेंचुरीज एशिया हैज सफर्ड अंडर द इंसोलेंस ऑफ वाइट मैन. सदियों से एशियाई ममालिक ने मुब्तला हैं इंसोलेंस ऑफ वाइट मैन. वाइट मैन से मुराद गोरा आदमी, या गोरे, या अंग्रेज, या यूरोपियंस. सदियों से, कितने सौ सालों से जो है वो हमने जुल्म व सितम सहा है अंग्रेज़ों का, गोरों का. यूरोपियंस ने एक अरसे तक एशियंस पर कब्जा करके रखा, इंडिया में और उसके अलावा डिफरेंट और नेशंस में. और बर्टन रसल कहते हैं कि इफ़ आई हैड नॉट बीन अ यूरोपियन एंड एशियन, माई ब्लड वुड गेट बॉयल एंड इट विल रोज मी टू फ्यूरी. अगर मैं एक यूरोपियन नहीं होता, एक एशियन होता, तो मेरा खून खौल उठता और मैं गुस्से में, तैश में आ जाता. लेकिन एशियंस ने ना जाने क्यों इतना सहा, इतने सौ सालों तक सहा अंग्रेज़ों के जुल्म व सितम को अपने ऊपर. बट अब चुके वो आज़ाद हो चुके हैं, तो ये कहते हैं कि देयर फाइट फॉर इंडिपेंडेंस मे बी बिकम अ डिज़ायर फॉर कॉन्क्वेस्ट फॉर एशियन नेशंस. कि ऐसा भी हो सकता है कि उनकी आज़ादी की लड़ाई वो आगे जाकर फतवाहत की चाहत बन जाए, डिज़ायर फॉर कॉन्क्वेस्ट बन जाए. जैसे कि हमने पढ़ा था ना चंगेज़ खान के बारे में, कि मंगोल्स होते चंगेज़ खान, उन्होंने पहले तो पानी की तलाश में वो निकले मंगोलिया से चाइना, और जब उनको पानी मिल गया तो उन्होंने जो है वो ना सिर्फ चाइना बल्कि पूरी दुनिया पे कोशिश करी कि वो जो है वो ताक वो हासिल कर लें, वो गलबा हासिल कर लें, उसको कैप्चर कर लें. ठीक है. पूरी दुनिया में वो फिरे उनके गवर्नर्स और मंगोल सारे, ताकि दुनिया भर में कहीं ना कहीं वो कब्ज़ा कर लें. तो एशियाई ममालिक भी जो आज़ाद हो चुके हैं, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि उनकी आज़ादी की चाहत, जो उनकी आज़ादी की लड़ाई है, वो उनके लिए डिज़ायर फॉर कॉन्क्वेस्ट बन जाए, वो उतनी पावरफुल हो जाए. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता लगा कि ईस्टर्न पावर फिर ताकतवर होने के बाद वो दूसरे कंट्रीज़ का इस्तेसाल शुरू हो गए तो कर दें, और उनको ऊपर जो है वो ज़ुल्म व सितम करना शुरू कर दें, जो उन पर खुद हुआ वो किसी और पर करना शुरू कर दें. तो ये इसके खिलाफ है, बिकॉज आप जानते हैं कि बर्टन रसल वॉज अ पैसिफिस्ट. वो एक पैसिफिस्ट है. पैसिफिस्ट आर दोज हु हेट्स वॉर. तो जंग से नफरत करते हैं, तो ये नहीं चाहते कि जंगे हों. समझ में आ गई बात सेकेंड पैराग्राफ में क्या चीज़ बात की गई है. क्लियर है, नो इशू. थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ में कहते हैं देयर आर स्टिल सम रेमनेंट्स ऑफ व्हाइट इंपीरियलिज्म दैट नीड्स टू बी स्वेप्ट अवे. अभी तक कुछ
वाइट या अंग्रेजों के साम्राज्य के कुछ बाकियात अभी भी बाकी हैं जिनको धो डालना है, जिनको हटाना है। रेमनेंट्स कहते हैं बकिया बचे हुए हिस्से, बाकियात। वाइट एम्पेरियलिज्म, वाइट साम्राज्य यूरोपियन, गोरे एम्पेरियलिज्म मतलब साम्राज्य। साम्राज्य किसे कहते हैं, किसी एक कंट्री का पूरी दुनिया पे हमला, हम पूरी दुनिया पे कब्जा हो जाए, दैट इज कॉल्ड एम्पेरियलिज्म। जैसे ब्रिटिश एम्पेरियलिज्म किसी जमाने में थी, साम्राज्य उसको हम कहते हैं। तो कुछ साम्राज्य के असरात अभी भी बाकी हैं जिनको ख़त्म किया जाना है। पूरी तरह से एशियन कंट्रीज 1954 में आज़ाद नहीं हुए थे, कुछ ऐसे कंट्री 1954 में थे जो कि अंग्रेज़ों से हासिल नहीं कर पाए थे आज़ादी, उनको करनी थी आगे जाकर। पाकिस्तान और इंडिया तो आज़ाद हो चुके थे इस दौर में 1954 में, लेकिन बाकी कंट्रीज नहीं हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंच आर रिलेक्टेंट टू अबेंडन देयर क्लेम्स इन इंडो चाइना। फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी, रिलेक्टेंट ये बेदिल हैं कि वो छोड़ दें अपने इलाके, कहाँ से, इंडो चाइना से। इंडो चाइना में, या इसको पूरे फ्रेंच इंडो चाइना कहते हैं, तो फ्रेंच इंडो चाइना में जो है फ्रेंच का, फ्रांसीसियों का, फरंगियों का कब्जा था, फ्रेंच लोगों का। और वो कौन से इंडो चाइना में आज कौन से तीन कंट्रीज आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ये तीन कंट्री एक साथ हैं, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इनको हम कहते थे फ्रेंच इंडो चाइना। इन पर पूरी तरह से फ्रांस का कब्जा था, लेकिन 1954 में ही, शायद ये साल के शुरू में लिख रहे हैं 1954 के, तो साल के 1954 के अख्ताम में क्या हुआ था कि जो इंडो चाइना है उसको फ्रेंच ने आज़ाद कर दिया था। लेकिन जिस वक्त लिखा जा रहा उस वक्त इंडो चाइना फ्रेंच के कब्जे में था। ब्रिटिश क्लिंज टू मलाया, ब्रिटिश अब तक जकड़े हुए हैं मलाया को। मलाया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ मलेशिया। मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, पहले वो ब्रिटिश के कब्जे में था, तो 1957 तक ये कब्जे में रहा, उसके बाद मलेशिया एक आज़ाद मुल्क बन गया। आज भी मलेशिया एक आज़ाद मुसलमानों का वतन है, कुआलालंपुर उसका कैपिटल सिटी है, बहुत फेमस कंट्री है। एंड स्टिल वांटेड टू सेल्वेज समथिंग फ्रॉम सूडान एंड इजिप्ट, और अब भी वो चाहते हैं कि कुछ फ़ायदा हासिल कर ले सूडान और इजिप्ट से। सूडान और इजिप्ट पर भी ब्रिटिश का कब्जा था, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। सूडान आपके पास दैट इज़ 1956 में ही आज़ाद हुआ, और इजिप्ट 1956, दोनों 1956 में आज़ाद हुए, तो ये भी किसी ज़माने में जो है वो अंग्रेज़ों के पास ही थे। तो अमेरिकन इंपीरियलिज्म वॉन्ट रिप्लेस यूरोपियन इंपीरियलिज्म। अच्छा, फिर ये भी कहते हैं कि अच्छा इनके पास है ना कि ये मुस्तकबिल की बातें भी आपको बता रहे हैं कि क्या होने वाला है अपने इल्म की बदौलत। तो कहते हैं कि कुछ बाकियात हैं यूरोपियन सुप्रीमेसी के, जो अब भी बाकी हैं एशियन नेशंस के अंदर, और अफ्रीका के अंदर भी बाकी हैं। अफ्रीका और एशिया दोनों ही ईस्टर्न नेशंस हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या इनकी जगह क्या कोई और आ जाएगा, यूरोपियन सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी? तो कहते हैं नहीं, अमेरिकन इंपेरियलिज्म वॉन्ट रिप्लेस यूरोपियन इंपेरियलिज्म, कि यूरोपीय साम्राज्य को अमेरिकी साम्राज्य नहीं रिप्लेस कर सकता। कैसा नहीं हुआ कि अमेरिका दुनिया भर में कब्जा कर लेगा आकर। अमेरिका अगरचे अभी सर उठा रहा है, सुपर पावर बनने की नीच में है वो मौजूद, वो एक तरह से कोल्ड वॉर का एरा चल रहा है, आपको पता है 1945 से 1989 तक कोल्ड वॉर एरा चला था, जिसमें रशिया और अमेरिका दोनों सुपर पावर नेचर के लिए लड़ रहे थे। 1999 में सोवियत अफगान वॉर के बाद आखिरकार क्या हुआ, रशिया पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से उसकी डिसोसिएशन होने के बाद आखिरकार अमेरिका जो है ऊपर आ गया था, ठीक है, मतलब पावरफुल हो गया था। तो यही कहते हैं कि अमेरिकन इंपीरियलिज्म यूरोपियन इंपीरियलिज्म को रिप्लेस नहीं करेगी, अमेरिका सारी दुनिया पे कब्जा नहीं करेगा, मतलब जंगी तौर पर कब्जा नहीं करेगा। हाँ, वो अलग बात है कि किसी तरह से वो अलग अंदाज से इकोनॉमिकली जो है वो कब्जा कर लेगा दुनिया में डॉलर के जरिए, पेट्रो डॉलर के जरिए, और कर भी चुका है, लेकिन उस तरह से नहीं करेगा जैसा ब्रिटिश करती थी कि फौज लाकर पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया, तो उस तरह से नहीं करेगा। और यह बात है सही भी हुई कि अमेरिकी साम्राज्य यूरोपीय साम्राज्य को नहीं रिप्लेस कर पाई, न कर पाएगी नहीं। ये समझ में आ गई, दैट इज़ द थर्ड पैराग्राफ जिसमें वो बता रहे हैं कि यूरोपियन पावर बिल्कुल डूम हो चुकी है, एशिया में तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। अब गोरों की और वेस्टर्न कंट्री की एशिया में कुछ चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब वो वहाँ से ख़त्म होने वाले हैं, जाने वाले हैं बस। फोर्थ पैराग्राफ इज़ अबाउट कम्युनिज्म। फोर्थ पैराग्राफ में कम्युनिज्म के बारे में बात करते हैं, जिसको मैं भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज़ कम्युनिज्म। हर पेपर में अलग अलग हर पैराग्राफ से एक क्वेश्चन आ रहा होता है कहीं ना कहीं से, ठीक है। अब देखोगे 5 to 10 years में तो हर पैराग्राफ से एक सवाल आपको मिलेगा। तो व्हाट इज़ कम्युनिज्म, कि कम्युनिज्म के बारे में, इट इज़ अ डेंजरस इंपीरियलिज्म इज़ दैट ऑफ रशिया। कहते हैं कि अमरीकी और यूरोपियन साम्राज्य से तो खतरा नहीं है एशिया को, एशिया को जो खतरा है ना वो रशिया के साम्राज्य से खतरा है, और सबसे डेंजरस साम्राज्य, सबसे डेंजरस इंपीरियलिज्म रशिया की है। जिस वक्त रशिया नहीं बना था बल्कि USSR था, या सोवियत यूनियन था उस वक्त। उस वक्त रशिया आपको पता है बहुत बड़ी सुपर पावर थी, और रशिया के अंदर उस वक्त कैपिटलिज्म थी, कम्युनिज्म थी। नाउ व्हाट इज कम्युनिज्म, कम्युनिज्म इज टोटली एन अपोजिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। देखो, इकोनॉमिकल सिस्टम जब हम बात करते हैं ना, मुआशी निज़ाम दुनिया में वो दो तरह के हैं, एक आपके पास है कैपिटलिज्म और एक आपके पास है कम्युनिज्म। आज पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म चलता है, कैपिटलिज्म मतलब सरमायादारान निज़ाम।
सरमायदारी का निज़ाम, अमेरिकन एक एडम स्मिथ नाम के शख्स थे अमेरिकन, इन्होंने ये निज़ाम पेश किया था, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटलिज्म। जागीरदारों ने निज़ाम क्या कहता है कि जिसके पास भी दौलत है, जिसके पास भी पैसा है, वो उस पैसे की मदद से घर भी खरीद सकता है, कंपनी भी खोल सकता है, और कंपनी खोल कर, घर खरीद कर, प्रॉपर्टी खरीद कर वो और अमीर हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटलिज्म। इस कैपिटलिज्म की वजह से क्या होता है कि अमीर जो है वो अमीर से अमीरतर हो जाता है, गरीब गरीब से गरीबतर हो जाता है, और पूरी दुनिया में यही कैपिटलिज्म का निज़ाम दुनिया भर में चल रहा है कि अमेरिका जो सुपर पावर है, पहले से अमीर है, वो अपने आप को और अमीर करते रहते हैं इस निज़ाम की वजह से, और जो गरीब ममालिक हैं वो गरीब से गरीबतर और गरीब होते जाते हैं, महंगाई, इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ती से बढ़ती जाती है। दैट इज़ ऑल द आउटकम्स ऑफ कैपिटलिज्म, जिसमें अमीर जो है वो पूरी तरह से काबिज़ होता है गरीब पर, और गरीब का इस्तेहसाल हो रहा होता है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही होती है। और इसका बिल्कुल उलट एक निज़ाम है जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म जो है वो इट डील्स विद द क्लास लेस सोसाइटी। कम्युनिज्म डील करता है क्लास लेस सोसाइटी में। क्लास लेस सोसाइटी से क्या मुराद है कि एक ऐसा मुआशरा जिसके अंदर कोई तबकाती निज़ाम मौजूद ना हो, जिसमें अमीर और गरीब के बीच में कोई फ़र्क ना हो, जिसमें ये लकीरी, ये बाउंड्री, ये मौजूद ही ना हो, जिसमें सभी के सब बराबर के अमीर और बराबर के गरीब हों। कम्युनिज्म इट एक्चुअली इग्नोर्स द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ अ पर्सन। ये प्राइवेट ओनरशिप को इग्नोर कर देती है। कम्युनिज्म के मुताबिक किसी इंसान के पास कोई चीज़ नहीं हो सकती, उसकी मलकियत में कोई चीज़ नहीं हो सकती, मलकियत सारी की सारी गवर्नमेंट की होगी। पब्लिक के पास, पब्लिक को जो भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, और सबको बराबर मिलेगा, सबको एक जैसे घर मिलेंगे, सबको एक जैसी गाड़ी मिलेगी, सबको एक जैसे खाने मिलेंगे, और सबके सब जो है मुल्क के लिए काम करेंगे। इससे क्या होगा, एक क्लास लेस सोसाइटी तश्कील में आएगी, जिसमें क्या होगा कि कोई अमीर और गरीब के बीच में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। दैट ईस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम इज़ कॉल्ड कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट फिलासफी इसको हम कहते हैं। बहुत कम पाकिस्तानी उसके बारे में रियल में जानते हैं कि रियल में क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये बट इट इज़ अ गुड सिस्टम फॉर द कंट्री, बट इट विल मेक सम कंट्री वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, किसी कंट्री को बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। तो कम्युनिज्म आया कहाँ से, कम्युनिज्म की थ्योरी पेश की थी जर्मन फिलासफी है, इट्स फिलासफी इज जर्मन। जर्मनी में एक शख्स थे कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स ने इस थ्योरी को जो है वो पेश किया था, जो जर्मन थे। और कार्ल मार्क्स क्या कहते थे कि भाई कि दुनिया में जो लड़ाई है वो दो लोगों के बीच में है, बोर्जुआ और प्रोलतारिया। उन्होंने किताब लिखी थी द कैपिटल के नाम से, उन्होंने कहा था बोर्जुआ और प्रोलतारिया, इन दो लोगों के बीच में लड़ाई है। बोर्जुआ कौन है, अमीर मिल ओनर्स, इंडस्ट्री ओनर्स, जमींदार, जागीरदार, वडेरे, ये हैं बोर्जुआ। और प्रोलतारिया जर्मन में कहते हैं लेबर्स, मजदूर। और इन दोनों के बीच में लड़ाई है, हमेशा बोर्जुआ तबके वाले प्रोलतारिया का इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनको उनके हकूक नहीं दिए जाते। तो फिर उन्होंने, कार्ल मार्क्स ने कहा था तमाम लेबर से कि ओ लेबर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ए मेहनत कश इंसानों सबके सब एक हो जाओ, ठीक है, सबके सब एक हो जाओ। और सबने फिर आखिरकार एक होकर जो है वो उनका निशान भी था, एक हथौड़ी बनी होती थी, और उसके अलावा एक जो है वो सिकल बना होता था, जो लेबर और इंडस्ट्रियल मतलब के मतलब फार्मर्स और इंडस्ट्रीज़ के वर्कर्स को एक यूनिटी शो करता था कि सब इत्तेहाद में आकर जो अमीर तबके उनका उनको जो है वो ख़त्म करो, उनको दी एंड करो। और वहीं से कम्युनिज्म स्टार्ट हुई थी, जर्मन फिलासफी है। और इसको रशिया ने सबसे पहले अपने ऊपर यूज़ किया था, लेनिन नाम का एक बंदा था, वर्ल्ड वॉर वन के दो उपाधि लेनिन, व्लादिमिर लेनिन। ये जो मैं बोल रहा हूँ बोर्ड पर नहीं लिख रहा, ये मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूँ, पेपर में नहीं पूछेंगे, जस्ट नॉलेज रखी है चीज़ की कि लेनिन नाम के बंदे ने जो है वो रशिया के अंदर ये कम्युनिज्म वो लेकर आया था, और उसके बाद रशिया बन गया था सोवियत यूनियन, ठीक है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। तो कम्युनिज्म जो थ्योरी है वो जर्मनी से आई है, और उसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया था रशिया में वर्ल्ड वॉर वन के बाद, और ये किया था किसने, व्लादिमिर लेनिन ने। लेनिन खुद एक रशियन था, और उसने रशिया के अंदर कम्युनिज्म लाए था, और इट वाज द फर्स्ट कम्युनिस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो बहुत पावरफुल थी, जिसको सोवियत यूनियन भी कहते हैं, द रेड बेयर, लाल रीछ भी उसको कहा जाता था, जिसने कुछ ही सालों के अरसे में 14 से ज़्यादा कंट्रीज़ को दुनिया भर के कब्जे में ले लिया था अपने, और बहुत बड़ा सोवियत यूनियन था। 1989 में वो ब्रेक हो गया, रशिया टूट गया, ठीक है। तो ये क्लास लेस सोसाइटी पर बेस करता था कि सोसाइटी में क्लासेस नहीं होनी चाहिए। बट अच्छा, इनके ये तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था कम्युनिज्म का, कम्युनिज्म डिस्ट्रॉयज कल्चर एंड रिलीजन। ये यूनिफॉर्मिटी में बात करता था कि दुनिया के सारे कंट्रीज़ को एक साथ मिला देंगे, सोवियत यूनियन ये कहता था, सारे कंट्री पर हम हमला कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, और उन सबको कल्चरली यूनिफॉर्म कर देंगे, एक जैसा बना देंगे, एक्सा कर देंगे, सब बराबर की चीज़ों पर बिलीव करेंगे। तो क्या हुआ था कि जब बराबर की चीज़ें बिलीव करें तो कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सकाफत ख़त्म हो जाएगी, सबकी सकाफत एक जैसी होगी, और साथ में रिलीजन या मजहब भी ख़त्म हो जाएगा। ये कार्ल मार्क्स थे जिन्होंने एक मशहूर जुमला कहा था कि रिलीजन इज़ एन ओपियम फॉर ह्यूमन बींग्स,
कि जो मज़हब है वो इंसान के लिए एक अफ्यून की तरह, चरस की तरफ से, कि इंसान उसको मज़हब को फॉलो करके नशे में आ जाता है। अब इसकी वजह से क्या था कि कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म फिलॉसफी के अंदर रिलीजन को अबॉलिश कर दिया था कि मज़हब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कम्युनिज्म रशिया के अंदर कोई रिलीजन नहीं था ड्यूरिंग कम्युनिस्ट फिलॉसफी, और आज भी अगर आप रशिया जाओगे तो बहुत सारे लोग आपको इरिलीजियस मिलेंगे, उनका रिलीजन कोई नहीं है रशियंस का, ठीक है, ड्यू टू दिस कम्युनिस्ट कल्चर। तो ये कल्चर डिस्ट्रॉय करता है और मज़हब डिस्ट्रॉय करता है, और इसको देखने में आया भी थी, इसकी एग्जाम्पल है एज हैपेंड इन चाइना, जैसे कि चाइना में हुआ। चाइना में भी आप जानते हैं कम्युनिज्म एक हद तक लंबे अरसे तक मौजूद रही, इसलिए उसके झंडे में, चाइना के झंडे में जो लाल रंग है वो रेड कलर शो करता है कम्युनिस्ट फिलॉसफी को। तो चाइना में एक वक्त आया था कि चाइना में कम्युनिज्म आई थी, और ये माओ ज़ेदोंग भी इसको उर्दू में कहते हैं। तो माओ ज़ेदोंग के दौर में चेयरमैन माओ, इसको कहते थे चेयरमैन माओ, बहुत ही इज़ द मोस्ट फेमस चाइनीज लीडर, जिसने चाइना जब बहुत ज़्यादा भूख और अफलास के शिकार थे, गुर्बत और इन्फ्लेशन का शिकार था, जब चाइना में लोग भूख से मर रहे थे, खाने को रोटी तक नहीं मिलती थी चाइनीज़ लोगों को, तब माओ ज़ेदोंग आया और उसने कम्युनिज्म लगाया, और उसके बाद मेहनत करने पर बोला कि तमाम चाइनीज़ को कि जस्ट मेहनत कर, और मेहनत करने के बाद अब अपने आप को ऊपर करें। लेकिन इसमें माओ ज़ेदोंग के दौर में हुआ क्या था कि बहुत सारी चीज़ें गलत हुई थी। सबसे पहले चीज़, कल्चर ख़त्म कर दिया गया था, चाइनीज़ कल्चर जो एक बड़ा फ्लोरिश कल्चर था माओ ज़ेदोंग के दौर में ख़त्म हो गया, और आज आप चाइना जाएंगे तो उनका कल्चर आपको नहीं दिखेगा, सब चाइनीज़ आपको नॉर्मल वेस्टर्न ड्रेस के अंदर, मतलब पैंट कोट वगैरह इस तरह से पहने हुए दिखेंगे, उनके अपने ड्रेसेस वगैरह अब आपको नहीं दिखने वाले। बाकी फीमेल्स भी जो होंगी वो नॉर्मली जो है वो पैंट कोट जिस तरह से होता है उस तरह के चाइनीज़ वेयर करती हैं, उनके अपने ड्रेसेस वगैरह नहीं है। रिलीजन भी अब वो फॉलो नहीं करते, किसी ज़माने में रिलीजियस थे, अपना रिलीजन फॉलो करते थे, लेकिन अब बड़ी तादाद में चाइनीज़ आप पैसे मिलेंगे जो नॉन रिलीजियस होंगे, जिनका कोई मज़हब नहीं होता चाइनीज़ लोगों का, ठीक है, और वो मज़हब के ख़िलाफ़ भी एक हद तक होते हैं, इसलिए मुसलमानों के लिए भी बहुत बार ऐसा होता है रोज़े रखना वगैरह पे पाबंदी होती है, रमज़ान नॉर्मली के रोज़े वगैरह नहीं रख सकते। चाइना के अंदर ऐसा होता है, आप सब जानते हैं, अखबारों में बताया भी जाता है कि रिलीजन के वो हमेशा से शुरू से खिलाफ है, चाइनीज़ कल्चर, चाइनीज़ रिजीम जो है, चूँकि इसमें एक अरसे तक कम्युनिज्म रही है, अब कम्युनिज्म नहीं है लेकिन उसकी छाप वहाँ पर अब तक मौजूद है कम्युनिज्म की, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा था बर्टन्ड रसल ने कि ये जो कम्युनिज्म है वो एक डेंजरस इंपीरियलिज्म है रशिया के, जिससे एशिया की इतनी शानदार तहजीबें तबाह होकर रह जाएंगी। तो मैं नहीं कहता हूँ कि भाई रशियन इंपीरियलिज्म को किसी तरह से चाइनीज़ वो अमेरिकन वो एशियंस को अपने सब्जेक्शन में करना चाहिए। तो समझ में आ गई बात, क्या चीज़ बताई जा रही है उसके अंदर कम्युनिज्म के बारे में, कि कम्युनिज्म क्या चीज़ है, क्यों ख़तरनाक है। और 1989 के बाद जब सोवियत अफगान वॉर हुआ, अफगानिस्तान ने रशिया को हराया, जिसके बाद कम्युनिज्म जो है वो ख़त्म हो गई इसमें एशिया और रशिया के अंदर से, और अब पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म है, और कम्युनिज्म के लिए कोई बात नहीं कर सकता। अगर कोई बात करेगा तो वो, चूंकि दुनिया में दो असल में जंग चल रही है, द होल वॉर इज गोइंग ऑन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। आपको ऐसा लगता है कि ये जंग गरीबों और अमीरों की है, आपको ऐसा लगता है ये जंग जो है वो इस्लाम और कुफर की है, लेकिन ये जंग असल में इकोनॉमिकल वॉर है जो दुनिया में चल रही है। वो अलग बात है, हम पाकिस्तानी नहीं समझ पाते इस चीज़ को, बट ये वॉर जो है वो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में चल रही है, कि हर वो कंट्री जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी को अपनाना चाहती है अमेरिका उसको दुश्मन बन जाता है, जैसे ईरान, या फिर जैसे अगर आप कह लें कि नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया का अमेरिका सख्त दुश्मन है, और दुश्मन इस वजह से है क्योंकि वो कम्युनिस्ट फिलॉसफी पे चलते हैं, और अमेरिका कहते हैं नहीं, सबको कैपिटलिस्ट फिलॉसफी पे चलते हैं ताकि हम अमीर समीर होते रहें और लोग हमारे डॉलर इस्तेमाल करते रहें। और जो कंट्री ऐसा कर रही होती है अमेरिका को से कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान से अमेरिका को कोई मसला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल अमेरिका को मसला था, यस, लेकिन उस वक्त मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि द अलायंस ऑफ मॉस्को विद पेकिंग, इस पर जब बात कर रहा था कि मॉस्को का बीजिंग के साथ जो अलायंस हुआ था, मॉस्को मतलब कि रशिया का और बीजिंग के साथ मतलब कि लाइक चाइना के साथ, तो उनकी एक कोलैप्स हो गए थे, तो सोवियत यूनियन का ही पार्ट बन जगह था जो चाइना था कंप्लीट ना, तो वो जाहिर सी बात है वो तो वैसे भी अमेरिका के अगेंस्ट ही थे, जितने भी सोवियत कंट्रीज थे, रशिया और अमेरिका तो हमेशा से अगेंस्ट ही थे, कोल्ड वॉर के दौरान 1949-39 के बीच में तो टोटली अगेंस्ट थे उस, मतलब अगेंस्ट मतलब कैपिटलिज्म, कि अमेरिका कैपिटलिज्म फॉलो करता था और सोवियत यूनियन, रशिया और उसके टेरिटरी सारे के सारे कम्युनिज्म फॉलो करते थे। तो चाइना इस वजह से जो है अमेरिका चाइना को कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि रशिया के साथ वो मिले हुए थे पूरी तरह से, ठीक है। तो एक तरह से दो ब्लॉक बन गए थे दुनिया में, कम्युनिस्ट ब्लॉक और वो, और बहुत सारे कंट्रीज थे, क्यूबा की बात कर लो, हर बहुत सारे आपको चीज़ें, वियतनाम है, वियतनाम के अंदर भी कम्युनिज्म मौजूद थे, अमेरिका ने उसको ख़त्म करना चाहा लेकिन नहीं ख़त्म कर पाया, अमेरिका में हार हुई वियतनाम को, उस तरह से फिर यही कम्युनिज्म आप देखते हो क्यूबा के अंदर, अब ची गुवेरा का नाम सुना होगा, फैदल कास्त्रो का नाम सुना होगा, फैदल कास्त्रो, ची गुवेरा, ये भी कम्युनिस्ट फिलॉसफीज़ के हामिल थे। जो जो कम्युनिस्ट रहे हैं ना दुनिया में, अमेरिका को उससे हमेशा से मसला रहा है, क्योंकि अमेरिका पता है कि जब कम्युनिज्म आएगी तो अमेरिका का डॉलर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा,
तो जिसकी वजह से अमेरिका किसी दुनिया में बात तक नहीं करने दे रहा, किसी को इस टॉपिक पर कोई बात भी नहीं कर सकता दुनिया भर में कम्युनिज्म पे, क्योंकि अमेरिका के लिए खतरा है। भले दिन के लिए खतरा हो ना, अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। अमेरिका को रिलीजन से मसला नहीं है, उसको अपने इकोनॉमी से मसला है, ठीक है, कि इकोनॉमी उसको डाउनफॉल में नहीं होनी चाहिए। तो यही चीज़ है कि रशियन इंपेरियलिज्म बर्टन रसल कहते हैं कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनको मसला बर्टन रसल को रिलीजन और कल्चर से, वो कहते हैं कल्चर रिलीजन दुनिया में हर वक्त रहनी चाहिए, दुनिया की खूबसूरती इन्हीं चीज़ों से। नाउ द फिफ्थ पैराग्राफ दैट इज अबाउट इंडस्ट्रियलिज्म। पेपर में एक सवाल आता है कि व्हाई इट इज़ यूजलेस टू रेजिस्ट इंडस्ट्रियलिज्म, कि आप क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन को, सनअतकारी को नहीं रोक सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों ज़रूरी है दुनिया भर में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। सनअतकारी दुनिया भर के कौमों की तरक्की के लिए ज़रूरी है। अगर इंडस्ट्रीज किसी कंट्री में आकर लगती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो जॉब्स बनती हैं, एम्प्लॉयमेंट आती हैं, ज़रे मुबादला दुनिया में आता है, मुल्क में आता है, और मुल्क प्रॉस्पर करता है, GDP ग्रोथ होती है उसकी, ठीक है, और वो इन्फ्लेशन ख़त्म होती है और प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है कंट्री के अंदर, अगर इंडस्ट्रीज आ जाती हैं तो। और इंटरेस्ट अगर आपकी कंट्री सेकेंड इंडस्ट्री छोड़ छोड़ कर जा रही हो, तो फिर आपके अंदर एम्प्लॉयमेंट भी आती है, गुर्बत भी आती है ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि इंडस्ट्रीज आने के बजाय जा रही होती है ज़्यादातर छोड़ छोड़ के, क्योंकि उनको यहाँ से जो है वो प्रॉफिट या बेनिफिट नहीं मिलता। इंग्लैंड इन 19th सेंचुरी बिकेम पावरफुल ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। इंग्लैंड 19th सेंचुरी में, 1800 के दौर में इंग्लैंड जो इतना ज़्यादा पावरफुल था, वो किस वजह से पावरफुल था? बाय द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की वजह से, कि इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो उन्होंने कर ली थी, तभी तो दुनिया भर में उन्होंने कब्जा किया था ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ की वजह से। आपको पता है कि हिंदुस्तान में भी कब्जा ऐसे ही हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना भाई, अंग्रेज आए थे, उन्होंने पूरी कंपनी अपनी बना ली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, ट्रेडिंग के लिए, उनका काम था ट्रेडिंग करना है, वो जो है वो चीज़ों को वहाँ पर ट्रेडिंग करते थे, बनाकर बेचते थे, और ऐसा ऐसा करके उस ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से उन्होंने पूरे आखिरकार हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, और आखिरकार जो है वो एक लंबे अरसे तक उन्होंने जो है वो 1947 तक कब्जा करके ही रखा। तो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, इंडस्ट्रियल पावर के थ्रू जो है वो ये जो है वो क्या करते थे, फ़रोख पाते थे अलग अलग कंट्री में, मलेशिया में, यहाँ वहाँ जाकर उन्होंने इंडस्ट्री बना ली थी, इंडस्ट्री बनाने के बाद उन्होंने वहाँ पर कब्जा कर लिया था, इकोनॉमिकली उनको डाउनफॉल करके, डिक्लाइन करके। इन इफेक्टिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट बिकॉज इट विल डिस्ट्रॉय नेचर। अच्छा, जब नया नया आया था इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप के अंदर, तो यूरोप के लोगों ने बड़े इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, एहतजाज किया था कि नहीं, इट विल डिस्ट्रॉय नेचर, कि ये जो तुम इंडस्ट्रियलाइजेशन ला रहे हो इससे दरख्त की कटाई होगी, पोल्यूशन फैलेगा, हवा गंदी हो गई, तो इससे तो खराबी है। बट दीज प्रोटेस्ट वर यूजुअली इनफेक्टिव, ये जो प्रोटेस्ट थे बिल्कुल पूरी तरह से कहते थे इनफेक्टिव थे, मतलब गैर मौसर थे, कोई फायदा नहीं हो सका। और इन प्रोटेस्ट को एक्सप्रेस किया है कार्लाइल, थॉमस कार्लाइल वॉज अ ब्रिटिश हिस्टोरिशियन, एक बरतानवी मौर्रिख हैं, माहिर तारीख हैं, कार्लाइल उनका नाम है। उन्होंने क्या किया, एक किताब लिखी थी, बुक नेम है पास्ट एंड प्रेजेंट, उस किताब के अंदर उन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से प्रोटेस्ट हुए थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ यूरोप के अंदर, पूरे के पूरे इंग्लैंड के अंदर, लेकिन वो यूजलेस रहे, उससे फ़ायदा नहीं हो सका, और इंडस्ट्रियलाइजेशन आ कर रही है इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ खड़े हुए थे गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि कांग्रेस लीडर थे हिंदुस्तान के अंदर, ही ऑल्सो रिमेंड अनसक्सेसफुल इन रिस्टोरिंग द स्पिनिंग व्हील, वो भी स्पिनिंग व्हील को रिस्टोर करने में नाकाम हुए। स्पिनिंग व्हील क्या चीज़ थी, जब अंग्रेज घूमता चरखा जिसको कहते हैं, ठीक है, जिससे जो चरखा कातना, वो धागे से मतलब कपड़ा जो बनाया जाता था, स्पिनिंग व्हील उसको कहते थे। तो अब इसको क्या चीज़ थी, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब अंग्रेज आ गए थे ना, अंग्रेज जब आ गए थे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी लगा दी थी और अंग्रेज पूरी तरह से पावरफुल थे, इकोनॉमिकल पावर बने हुए थे हिंदुस्तान के अंदर, तो गांधी जी ने बोला कि नहीं, हमें अंग्रेज़ों से कोई भी चीज़, अंग्रेज़ों की बनाई हुई कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, हम उनके कपड़े, चुके वो कपड़ों का उन्होंने जो इंडस्ट्री लगाई थी, कपड़े बेचते थे बना बना के, कपड़े लोग उन्हीं से खरीदते थे अंग्रेज़ों से, वो पावरफुल हो चुके थे, तो उन्होंने बोला नहीं, हम कपड़े खुद बनाएंगे घर पे, वो बड़े बड़े लूम मशीनें लेकर आए थे अंग्रेज़, बड़ी बड़ी मशीनें, लूम मशीनें लेकर आए थे। उन्होंने बोला कि नहीं, हम पुराने ज़माने में जिसे आज से 1000 सालों से होता है स्पिनिंग व्हील होता था, चरखा कातने का, गोल गोल घुमाने वाला, ठीक है, हम उसी से कपड़ा बनाएंगे। और वो जो गांधी जी अपने लोगों को लेकर कांग्रेस के घर घर जाते थे और सिखाते थे औरतों को भी ऐसे चरखा कातना चाहिए, ये हमारी होम इंडस्ट्री है, हम घर की चीज़ें बनाएंगे तो हम क्या होगा कि अंग्रेज़ों को हम पीछे कर देंगे। बट ही वॉज टोटली अनसक्सेसफुल इन इट। लोगों ने फिर आखिरकार कपड़ा वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्तेमाल किया, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, चरखा कातने का जो उनका फिलॉसफी था वो उनका फेल हो गया। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को कोई भी इंसान आकर ना रोक नहीं सकता, ये उसको आगे बढ़ना है अगर ये आगे बढ़ेगी तो, चूंकि ये ज़रूरी है, दीज आर द कंडीशंस ऑफ सर्वाइवल फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। जदीद दुनिया में रहने के लिए आपको इंडस्ट्रीज़ का फ़र्क देना पड़ेगा, सनअतकारी करनी पड़ेगी, वरना कोई भी कंट्री डेवलप नहीं हो सकता, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो कोई भी कंट्री हो। सही समझ में आ गई बात, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में क्या बात करें, बहुत सिंपल बात कर रहे हैं, आपको चीज़ समझ में आ रही होगी, और पाकिस्तान के तनाजुर में रखते हुए भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि बर्टन रसल क्या एडवाइस कर रहे हैं हमें।
नेक्स्ट सिक्स पैराग्राफ है द डीमेरिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म. अब कुछ नुकसान भी हैं सनतकारी के. अब क्या नुकसान हैं? द मोस्ट सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब होता है मोहलिक, सबसे मोहलिक, सबसे मुजिर जो एप्लीकेशन है, सबसे मोहलिक एप्लीकेशन क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन की? वेपन प्रोडक्शन. अच्छे काम तो बड़े किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में, बुरे काम भी होते हैं इंडस्ट्री के अंदर. वेपन प्रोडक्शन, असलहे पैदा होते हैं, असलहे बनाए जाते हैं, मिसाइल्स बनाए जाते हैं, एटम बम बनाए जाते हैं, और ये खतरनाक बात होती है, इनसे जंगें लड़ी जाती हैं. एंड सिंस बटन इंडस्ट्री इज अ पैसिफिस्ट, तो ये नहीं चाहते हैं कि वेपन प्रोडक्शन हो दुनिया भर में कहीं पर असलहे बने. एशिया शुड बी न्यूट्रल इफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर ब्रेक्स आउट. ये कहते हैं कि अगर दूसरी जंग अजीम तो हो गई, अगर कभी तीसरी जंग अजीम हो जाती है किसी तरह से, तो क्या होना चाहिए भाई? तीसरी जंग अजीम के दौरान एशिया को न्यूट्रल होना चाहिए कि बाकी कौमें लड़े आपस में, लड़के मर जाएं, लेकिन एशियन कंट्रीज को न्यूट्रल होना चाहिए. वो दोनों में से किसी ब्लॉक के साथ टेक पार्ट ना लें, बल्कि वो न्यूट्रल रहें, ताकि अगर बनी हुए इंसान मैनकाइंड का एक पोर्शन ऐसा भी हो जो हॉरर्स ऑफ वॉर से बच पाए, जंग की हौलनाकियों से बच पाए, वरना थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी तो दुनिया भर खत्म हो जाएगी न्यूक्लियर वॉर की वजह से. ये एशियन कंट्रीज़ को एडवाइस करते हैं कि आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, आपको इस जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए. वो अंग्रेज़ हैं, वेस्टर्न पावर हैं, वो आपस में लड़के ख़त्म हो जाए भले, लेकिन जो एशियन कंट्रीज़ उनको चाहिए कि वो थर्ड वर्ल्ड जो ब्रेकआउट होने के बाद न्यूट्रल रहें, अगर कोई तीसरी जंग की जिंदगी में दुनिया में कभी भी होती है. सेवन पैराग्राफ में कहते हैं कॉस्मोपॉलिटनिज्म के खिलाफ बात करते हैं. सेवन पैराग्राफ में कॉस्मोपॉलिटनिज्म किसे कहते हैं? कि एक लाइक अ सिटी और अ कंट्री विद डिफरेंट कल्चर्स लिविंग टुगेदर, मुख्तलिफ मजाहिब के लोग, मुख्तलिफ सकाफत के लोग अगर एक साथ मिलकर रहना शुरू कर दें, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन सिटी, ये कॉस्मोपॉलिटन नेशन, और यही कॉस्मोपॉलिटनिज्म कहा जाता है. जब दुनिया भर के मुख्तलिफ तरह के लोग आपस में एक साथ रहें, दुबई इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी. दुबई जो है वो एक बेहतरीन मिसाल है कॉस्मोपॉलिटन सिटी की, जिसमें दुनिया भर के मजाहिब, मुसलमान, हिंदू, अंग्रेज़, ईसाई, यहूदी सब मिलकर एक ही शहर में रहते हैं. और दुबई अगरचे यूएई, मुत्तहिदा अरब अमीरात में है, यूएई में है, लेकिन अगर आप दुबई की गलियों में घूमेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि आप किसी अरब कंट्री में घूम रहे हैं, आपको लगेगा कि आप किसी यूरोपियन नेशन में घूम रहे हैं. हर तरह के लोग, दुनिया भर के 205 कंट्री के लोग आपको वहाँ पर दिखाई देंगे. हर और एक उनका एक पूरा यूनिफॉर्म कल्चर जैसा होगा, दैट इज़ कॉल्ड अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी. लेकिन ये अगर अबू धाबी में आप जाएंगे, अबू धाबी में जाएँ तो अबू धाबी में आपको ज़्यादातर जो है वो मतलब वाइट, मतलब ज़्यादातर शेख लोग आपको मिलेंगे. अबू धाबी में ज़्यादा नहीं है, मतलब कॉस्मोपॉलिटन सिटी दुबई है, ज़्यादातर दुबई में हर तरह के लोग होते हैं. अबू धाबी उसका अलग स्टेट है, बट वहाँ काम है. एशिया कांट बी कल्चरल यूनिफॉर्म, ये कहते हैं बटन रसर. एशिया को हम सकाफती तौर पर यकसा नहीं कर सकते, जैसा नहीं कर सकते. ये टू नेशन थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं. टू नेशन थ्योरी से मुराद, जैसे कि सर सैयद ने पेश किया था, कि दो अलग अलग कौमें वो मिलकर आपस में नहीं रह सकती, वरना उनकी कल्चर यूनिफॉर्म हो जाएंगे. एक जैसे कल्चर हो जाएंगे तो कल्चर, या तो मतलब मुसलमान कम है तो उनका कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है. तो उनको अलग कौम बना कर रहने देना चाहिए, ताकि उनका कल्चर, सकाफत अलग होकर अलग नेशन के अंदर जो है वो रह सकें. तो एशिया को कल्चरल यूनिफॉर्म नहीं कर सकते. एशिया कंटेंस 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. 50% पॉपुलेशन दुनिया की एशिया में रहती है, आधी आबादी दुनिया की एशिया में रहती है ना, हमारे कॉन्टिनेंट में. और एशिया के अंदर तीन डिस्टिंक्ट और फेमस सिविलाइजेशन मौजूद हैं, तीन मशहूर तहजीबें मौजूद हैं. द फर्स्ट इज ऑफ इस्लाम, एक इस्लाम की सिविलाइजेशन मौजूद है. पाकिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, ठीक है, सीरिया, यमन, तुर्की, ठीक है, अफगानिस्तान, इस तरह से आप मालदीप, ठीक है, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब मुस्लिम्स. एशियन कंट्री के नाम ले रहा हूँ मैं, दुनिया भर के नहीं ले रहा. फिर इंडियंस की तरफ हिंदू कल्चर, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, बर्मा हो गया, ज़्यादातर इंडियंस हिंदू मौजूद हैं इन सारे कंट्रीज़ के अंदर. सुना होगा आपने ये सारे कंट्रीज़ का नाम. इस तरह से जब क्रिश्चियन, अच्छा चाइनीज़ कल्चर भी है. अब चाइनीज़ कल्चर में आ जाओ तो दैट इज़ चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकॉन्ग, वियतनाम, थाईलैंड, लेओस, कंबोडिया, सिंगापुर, ये सब के सब मैं नाम ले रहा हूँ, बहुत सारे होंगे एशिया के अंदर, तो आधी आबादी दुनिया की रहती है. तो मैं बता रहा हूँ कि तीन डिफरेंट सिविलाइजेशन एशिया के अंदर मौजूद है. चाइनीज़ कल्चर पूरा एशिया में मौजूद है, पूरा मुसलमानों का बड़ा कल्चर एशिया में मौजूद है, और हिंदू कल्चर पूरा एशिया के अंदर मौजूद है दुनिया में, जो आपको मिलेगा. बाकी अगर आप कहीं और जाते हो ना, यूरोप साइड पर, जो अमरीका, सब क्रिश्चियंस मिलेंगे आपको, या एथीस्ट, मतलब इस तरह की जो सिविलाइजेशन है ना, जो एशिया में जो इतनी डिफरेंट डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन है, आपको दुनिया भर में और कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है. तो तीन सिविलाइजेशन है, तो एशिया को हम यूनिफॉर्म नहीं कर सकते कल्चरली. उससे क्या हो गया, तीनों सिविलाइजेशन मिल जाएंगे. अगर हम ये कहते हैं कि सारे एशिया को सोवियत यूनियन जैसा करना चाह रही थी रशिया, कि सारे एशिया को मिलाकर एक करना चाह रही थी, उससे क्या होना था, उनकी सिविलाइजेशन ख़त्म हो जानी थी. और आज आप देखते हैं जिन कंट्रीज़ के अंदर कम्युनिज्म मौजूद थी, वो कंट्री आज भी आपको कल्चरली यूनिफॉर्म मिलते हैं.
है ना, मिसाल के तौर पे सोवियत यूनियन ने कब्जा किया हुआ था बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्री के अंदर, मशरिक वस्ता के ममालिक में, तुर्कमानिस्तान, आजरबाईजान, है ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। आप वहाँ पर जाओ, आज भी आपको सोवियत यूनियन की चीज़ें आपको मिलेंगी, बिल्डिंग्स कह लो, उनके लिबास देख लो, उनकी रिवायात देख लो, उनका लिबरलिज्म देख लो, पूरा का पूरा आपको जो है वो सोवियत यूनियन वाला उसके अंदर मिलेगा आपको, क्योंकि एक लंबे अरसे तक वहाँ पर जो है वो सोवियत यूनियन ने, रशिया ने कब्जा करके रखा। तो हम ये नहीं चाहते कि पूरे एशिया यूएसएसआर की सब्जेक्शन में आ जाए, इससे क्या होगा, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी आएगी जिसकी वजह से उनकी सिविलाइजेशन तबाह हो जाएगी। हम चाहते हैं अलग अलग सिविलाइजेशन हमें दिखाई दे अलग अलग कंट्रीज की। एशिया मस्ट अपहोल्ड इंडिपेंडेंस एंड रिस्पेक्ट इज एज वेल, एशिया को अपने खुद की आज़ादी, एशियन कंट्रीज को बरकरार रखना है और सारी दुनिया में उस आज़ादी की इज्जत करनी है, अपनी आज़ादी को बरकरार रखना है और दूसरे ममालिक की आज़ादी की इज्जत करनी है। पाकिस्तान को खुद आज़ाद रहना है लेकिन इंडिया की आज़ादी को सल्ब नहीं करना है, इंडिया को खुद आज़ाद रखना है लेकिन इंडिया को पाकिस्तान की आज़ादी को सल्ब नहीं करना है। मतलब आपस में आज़ाद रहें कंट्रीज लेकिन दोस्ती भी रखें साथ में, रिस्पेक्ट करें दूसरों की आज़ादी की, उनकी आज़ादी को छीनने की कोशिश ना करें एशियन नेशंस, ये एडवाइस कर रहे हैं। ग्रेट सिविलाइजेशंस कैन नेवर बी कॉस्मोपॉलिटन, जो अजीम तहजीबें होती हैं उनको आप कभी भी कॉस्मोपॉलिटन नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन से मुराद ये कि अजीम तहजीबें क्या करती हैं उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं, अजीम तहजीबें उनका ख़त्म हो जाने से क्या होता है, बहुत सेटबैक आता है दुनिया भर के लिए। ठीक है, अरब असल में कॉस्मोपॉलिटन के क्यों खिलाफ है, ये वजह मैंने पूरे एक्सप्लेन करके आपको बताती है क्या वजह है। लास्ट पैराग्राफ है, 8 पैराग्राफ, एंड इन दिस पैराग्राफ ही इज एक्चुअली गिविंग द एडवाइसेस टू मुस्लिम एशियन नेशंस, एडवाइसेस काफ़ी सारे एडवाइसेस हैं, उसको समझ लेते हैं। कॉस्मोपॉलिटनिज्म बेस्ड अपॉन साइंस एंड मशीनरी, मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटनिज्म जो है वो बेस करती है साइंस और मशीनरी पे। दे आर गुड इफ राइटली कंट्रोल्ड, और साइंस और मशीनरी को बनाना अच्छा है लेकिन अगर उनको राइटली कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल में रखा जाए, वीपन प्रोडक्शन ना की जाए उनसे। दे आर पावरफुल सॉल्वेंट्स फॉर कल्चर, और सकाफत के लिए बहुत पावरफुल सॉल्वेंट की तरह से हैं ये, जो साइंस एंड मशीनरी होती है, ये जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये क्या कर देती है, ये तहजीबों को अंदर मिक्स कर देती है। वो कहते हैं ना कि 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ उसके आउटकम्स आप यहाँ पर देखते हैं दुनिया भर में, कि कल्चरल यूनिफॉर्मिटी दिखाई देती है पूरी दुनिया में, सब जैसे लोग एक जैसे हो जाते हैं इंडस्ट्रीज़ के ज़्यादा फ़रोग होने की वजह से। तो इनको एक हद तक फ़रोग देना है और राइटली कंट्रोल करना है, वरना ये तमाम कल्चर्स को अब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, और कल्चर अब्जॉर्ब होने से उनका नामो निशान मिट जाता है। ह्यूमन लाइफ शुडंट बी फुली मशीनाइज्ड, इंसानी ज़िंदगी को पूरी तरह से रोबोटिक नहीं करना पड़ेगा, इंसानी ज़िंदगी को इतना रोबोटिक ना कर दे कि इंसान इंडस्ट्री में ही ख़त्म हो जाए शुरू होने से लेकर एंड तक, बल्कि क्या करना चाहिए, इट मस्ट कंटेन पोइट्री, म्यूजिक, आर्ट एंड लव। ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी के एस्थेटिक सेंस भी होना चाहिए, एस्थेटिक सेंस से मुराद के शायरी होनी चाहिए, मौसीकी होनी चाहिए, फ़न और मोहब्बत, ज़िंदगी में ये सब कुछ होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि इंडस्ट्री लगा दी जाए और 12-12, 18-18 घंटे लोग जॉब करते रहें और मुल्क को तरक्की याफ्ता करते रहें, उनकी अपनी ज़िंदगी जहन्नम बन जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में जो है उनके साथ मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, द वर्क, वर्क से मुराद जस्ट इंडस्ट्री में वर्क नहीं है, आप वर्क करो, आप घर पर वर्क करो, आप डिफरेंट जगहों पर वर्क करो, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंडस्ट्री में जाके काम करते रहो। काम के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ के फ़रोग के साथ साथ आपको जो है वो तीन चीज़ों के में मतलब करना पड़ेगा कि पोइट्री, म्यूज़िक, आर्ट एंड लव, ये भी दुनिया में होनी चाहिए। जैसे है ना, हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ के ज़ुमरे के अंदर, हैप्पीएस्ट कंट्री के अंदर जापान नहीं आता, चाइना नहीं आता, हैप्पीएस्ट कंट्री में हॉलैंड आता है, नेदरलैंड आता है। वाई? बिकॉज दे ओनली वर्क फॉर 6 आवर्स एंड अ डे, वो सिर्फ 6 घंटे काम, वर्किंग आवर्स कम है, तो उनके पास ज़्यादा वक्त होता है फैमिली के साथ बिताने के लिए, दोस्तों के साथ बिताने के लिए, टूरिज्म एक्टिविटीज़ के लिए। अब ये जापान चाइना के अंदर 12-12 घंटे के लोग वर्क करते हैं, उनके पास खुद के लिए वक्त नहीं है, ना ही अपने लिए वक्त। हाँ, मुल्क को तो बहुत तरक्की दे रहे हैं वो, लेकिन अपनी ज़िंदगी उनके उस तरह से नहीं चल रही जैसे चलनी चाहिए। तो दैट्स वाई कि ज़िंदगी के अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। डोंट कॉपी द मिस्टेक्स ऑफ द वेस्ट, मगरिब की गलतियों को कॉपी मत करो, उनकी नकाली मत करो। मगरिब ने बड़ी गलतियाँ की हैं, मगरबी नेशंस ने, हर है ना, कहते हैं ना कि हर डूबता हुआ सूरज आपको ये पैगाम दे रहा होता है कि मगरिब की तरफ आप जाओगे तो डूब जाओगे। तो मगरिब को आपको कॉपी नहीं करना है। डोंट फॉलो द वेस्ट, मॉडर्नाइज योर सेल्फ बट डोंट वेस्टर्नाइज योर सेल्फ। अपने आप को मॉडर्नाइज करो, अपने आप को वेस्टर्नाइज मत करो। मॉडर्नाइज करने और वेस्टर्नाइज करने में बहुत फर्क है अपने आप को, है ना। नाउ वडेज पीपल आर फॉलोइंग दोज हु हैव रीच्ड द मून बट दे डोंट फॉलो द वन हु स्प्लिट द मून इनटू टू पीसेस। कि आज के दौर में लोग उनको फॉलो करते हैं जो कि चांद तक पहुंच गए, अंग्रेजों को, लेकिन जिसने जमीन पे चांद के दुरुगले उंगली की शाह से कर दिए, शक्ल कमर कर दिया, उन पे नहीं, लोग नहीं फॉलो करते। तो मिस्टेक्स मत कॉपी करें वेस्ट के। 500 ईयर्स ऑफ वेस्टर्न सुप्रीमेसी, अंग्रेजों ने 500 सालों तक, वेस्टर्न नेशंस ने 500 सालों तक अपनी सुप्रीमेसी बरकरार रखी है। 500 साल से वो काबिज है दुनिया भर में। दे डिस्कवर्ड फ्रॉम पोल टू पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक पूरी दुनिया को डिस्कवर कर लिया उन्होंने। नॉर्थ पोल में रोनाल्ड एमंडसन चले गए, साउथ पोल में पेरी चले गए, अलग अलग मतलब ट्रेवलर्स गए, वास्को डी गामा, मार्को पोलो, क्रिस्टोफर कोलंबस,
जिन्होंने दुनिया भर को डिस्कवर किया, एटम्स टू स्टार्स, एटम्स से लेकर स्टार्स तक के तस्खीर कर लिया अंग्रेजों ने बैठकर। वो एटम्स में जेम्स चैडविक, जे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोहर, एटम के सारे राज उन्होंने बता दिए आइंस्टाइन। फिर स्टार्स के राज एडविन हबल और कार्ल सेगन, कितने सारे और एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे अंग्रेजों के अंदर जिन्होंने आसमान का राज बताया, प्लैनेट्स के बारे में गैलीलियो गैलीली, निकोलस कोपरनिकस, जोहानस केपलर, कितने लोग आए अंग्रेजों के अंदर जिन्होंने स्टार्स से लेकर एटम तक का, पोल से लेकर पोल तक डिस्कवर कर लिया दुनिया को। 500 साल अंग्रेजों ने राज किया दुनिया में, और बट देयर वन फेटल फॉल्ट, लेकिन एक जो उन्होंने गलती की वो क्या, देयर लव ऑफ पावर ओवर अदर ह्यूमन बींग्स, उन्होंने मोहब्बत ज्यादा की ताकत से, इंसानों से ज्यादा ताकत उन्होंने पावर से कर ली अंग्रेजों ने, कि पावरफुल होना चाहा उन्होंने, इंसानों से मोहब्बत नहीं की, और उस पावर को दिखाने के लिए बेचारे मुसलमानों का, इंसानों का इस्तेहसाल किया, कंट्रीज पर कब्जा किया, उनको गुलाम बनाकर रखा, कितने अरसों तक सब्जेक्शन में रखा, सिर्फ ये कि मैं पावर दिखा दूं, अपने एक्सप्लोटेशन कर दूं पावर की। इतनी तरक्की फेल हो गई इस फॉल्ट के सामने, और ये फॉल्ट उनके लिए नुकसान की वजह बनी, आखिरकार उनका भी डिक्लाइन हुआ। स्टॉप एक्सप्लोटेशन ऑफ पावर टू वन वीकर वंस, एक एडवाइस करते हैं कि अंग्रेज जो हैं उनके एक्सप्लोटेशन जो है, जितने भी दुनिया में अगर आपके पास पावर आ जाए, पावर आ जाए, तो फिर आप एक्सप्लोटेशन ना करो वीकर वंस की। मतलब वीकर वंस से मुराद कि आप जो है वो कमजोर तरीन लोगों की जो है एक्सप्लोटेशन मत करो, आप उनको इस्तेहसाल मत करो जिनके पास पावर कम है। मैनकाइंड मस्ट लर्न डिग्री ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंसान को सीखना पड़ेगा म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बाहमी एहतराम, बाहमी इज्जत, के भाई इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करे, उसकी आज़ादी की, उसके फैसलों की, उसके रिलीजन्स की, उसके कल्चर्स की इज्जत करे इंसान। रसल्स होप आर विद द वेस्ट, रसल कहते हैं मेरी एक उम्मीद जुड़ी हुई है एशियन नेशंस के साथ कि एशियन कंट्री उन तमाम मगरिब की गलतियों को कॉपी नहीं करेंगी, और उन तमाम गलतियों को छोड़कर एशियन नेशन एक दिन जरूर आएगा कि जब वो प्रॉस्पर होंगे, वो डेवलप्ड होंगे, और एशियन कंट्रीज का एक नाम होगा दुनिया में, ठीक है, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और इसका समझ में आ गई बात, ओके।